Welcome to another video of AKTU lectures. This is the seventh lecture of the subject industrial pharmacy having a code BP502T. Myself Payal Keshervani working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater So, in this lecture, we are going to discuss about the chemical analysis. In the last lecture, we have discussed about the stability analysis. So, in that we have seen how stability studies are important in pre-formulation studies and it gives the data which is helpful in the development of a, do a doses form successfully. So, in this lecture we will see about chemical analysis. In chemical analysis, we will see hydrolysis, oxidation, photolysis and racemization. We will see how this chemical processes are important to study in pre formulation and how this are going to affect your different doses form and drug. First we have to see what is chemical stability. So, chemical stability of a drug substance in the solid state is the stability in the chemical form. It should be chemically stable under different temperature and stressed condition temperature and humidity when exposed to stressed condition so it should not undergo different chemical in uh, changes such as hydrolysis or uh, oxidation or any other chemical uh, change means if two drugs or

कैबिनेट्स में या फिर आप चैम्बर्स बोल सकते हो इन ओपन वाइल और थिन लेयर एल्यूमिनियम फॉयल की लेयर हम ले सकते हैं या फिर ओपन वायल ले सकते हैं इसमें हम अपने ड्रग को प्लेस करेंगे एंड वी विल कीप इट इन अप टू एट वीक्स हम एट वीक्स तक उसको कीप uh, uh, करेंगे स्टेबिलिटी चैम्बर्स में अंडर कंडीशन सच एज फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री एटी डिग्री ट्वेंटी फ़ाइव डिग्री एंड डिफरेंट हम हम डिफरेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी प्लेस करेंगे डेट इज़ एटी फाइव परसेंट एंड सेवेंटी फ़ाइव परसेंट जो एक्सलरेटेड स्टडीज़ होती है एक्सोरेटेड स्टडीज़ में हम हाई स्ट्रेस्ड कंडीशन प्लेस करते हैं हाई स्ट्रेस कंडीशन में अपने ड्रग को प्लेस करते हैं और देखते हैं हमारा ड्रग कहीं केमिकल चेंज अंडर गो नहीं तो नहीं कर रहा है तो हम जब स्टेबिलिटी चैम्बर में रखते हैं अपने ड्रग को तो वी कीप इट एंड वी कीप इट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हम ऐट वीक्स के लिए रख रहे हैं और वी विल सी डेट आफ्टर एट वीक्स आ ड्रग इज़ स्टेबल और इट इज़ अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज स्टेप टू में हम क्या करते हैं मीन्स नेक्स्ट मीन्स एन अदर मैथड इसमें हम क्या करते हैं प्री डिटमाइंड टाइम के लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल जैसे टू वीक्स फोर वीक्स एट वीक्स सैम्पल्स को रिमूव करते रहते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया सैम्पल्स को रख दिया स्टेबिलिटी चैम्बर में नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में उसे कलेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी चैम्बर से और हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो किस किस टाइम इंटरवल तक स्टेबल रहती है ऐसा तो नहीं वो वन वीक में ही डिग्रेड हो जाती है कई ड्रग्स होती हैं जो ट्वेल्व वीक्स तक ठीक रहती है उसके बाद डिग्रेड हो जाती है तो हमें क्या करना होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में उसका एनालिसिस करना होता है जो डिज़ोल्ड ड्रग्स होती हैं इन एन अप्रोप्रियट सॉल्वेंट हमें ड्रग को क्या करना होता है अप्रोप्रियट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना होता है और उसका एनालिसिस करना होता है तो ये जो एनालिसिस हैं हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं वी कैन यूज़ एच वी कैन यूज़ यू वी कैन यूज़ क्रोमेटोग्राफी तो हम डिफरेंट मैथड्स से इसका एनालिसिस करके डिटमाइन कर सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है डिग्रेड तो नहीं हुई और इट इज़ अंडर गोइंग एनी चेंज तो ये सारी चीज़ें हम इन मैथड्स के थ्रू डिटमाइन कर सकते हैं तो जो फर्स्ट हम केमिकल स्टेबिलिटी इशूज़ जो हमको नज़र आता है जो भी हम जब भी डिटेमाइन करते हैं दैट इज़ फर्स्ट इज हाइड्रोलिस तो हाइड्रोलिस क्या होता है हाइड्रोलिस वाटर की प्रेजेंस में आपका ड्रग चेंज अंडरगोज शो करता है इट अंडरगोज अ चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल ऑन द रिलायबल बॉन्ड्स बिटवीन द ससेप्टेबल डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड टाइम तो इसमें क्या होता है हाइड्रोलिसिस में जो वाटर होता है वाटर अटैक करता है आपके ड्रग के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे उसके बॉन्ड्स पे अटैक करता है और अटैक करके उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देता है उसको डिग्रेड कर देता है तो आप बोलते जो आपका ड्रग है इट हैज़ अंडरगोन हाइड्रोलिसिस जो वाटर की प्रेजेंस में आपका ड्रग हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है तो हाइड्रोलिसिस है दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच आल्सो जो पीएच है पीएच इज आल्सो पी एच इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर हाइड्रोलिसिस तो जो पी एच है इफ़ द मॉलिक्यूल्स इज आयोनाइजेबल विथ मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी इन द आयोनाइज फॉर्म सिंस इट हैज़ द ग्रेटेस्ट सोलिबिलिटी एंड देअोर एक्सपोजर तो जब भी आप ड्रग को लेते हो बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर डिफरेंट पी एच से एक्सपोजर होता है तो जब ये डिफरेंट पी एच से एक्सपोज होता है तो उससे भी चांसेस होता है कि आपका ड्रग हाइड्रोलिसिस अंडर गो करे ड्रग जब सॉल्वेंट की प्रेजेंस में डिग्रेडेशन uh, होता है तो उस केस में हम सॉल्वोसेस बोलते हैं तो अगर वाटर प्रेजेंट होता है तो वाटर के केस में हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट के केस में हम सोलवोलाइसिस बोलते हैं तो सोल्वोलाइसिस इज ऑल्सो अटैक ऑफ सॉल्वेंट ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोलाइसिस इज अटैक ऑफ वाटर ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल नाउ ये जो हाइड्रोलिसिस है It is susceptible to the hydrolytic process. Gay different hydrolytic process undergo karta hai in different compounds just, just such as ester, substituted amides, lactones and lectins. So, these are different uh, substances which mostly undergo hydrolysis. So, we will study here esters and amides, and you will see how they undergo hydrolysis. नेक्स्ट डिफरेंट ड्रग्स की कैटेगरी जो काफ़ी हाइड्रोलिस शो करती हैं दैट इज़ अनैस्थेटिक्स एंटीबायोटिक्स विटामिन एंड बारबीचूरेट्स ये सारे ड्रग्स आपके हाइड्रोलिस मोस्टली शो करते हैं फर्स्ट इज ईस्टर हाइड्रोलिस तो ईस्टर हाइड्रोलिस क्या होता है यहाँ पे जो ईस्टर एसिड होता है ईस्टर एसिड प्लस अल्कोहल इसके बीच में हम रिएक्शन कराते हैं एंड वी सी वेदर वो एल्कोहल के प्रेजेंस में हाइड्रोलिस अंडरगो कर रहा है या नहीं सो इट इन्वॉल्वस द रैप्चर ऑफ कोविलेंट लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम जो ईस्टर में कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है तो उसके बीच में आ, क्लीवेज हो जाता है जिसके कारण आपका जो ईस्टर कंपाउंड है वो हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है सो कैटलिस्ट पोलर नेचर सच एस मिनरल एसिड एल्कलीज और सर्टन एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ सप्लाइंग एच प्लस एंड ओ एच आइंस ये जो भी एंजाइम्स हैं एसिड मिनरल्स हैं एल्कलीज हैं ये एच एंड ओ एच आइंस सप्लाई करते हैं तो अगर इसकी प्रेजेंस में आपका जो भी ईस्टर एसिड्स है वो आ जाता है तो इट अंडरगोज कैटेलिटिक हाइड्रोलिसिस एसिड और एल्किली कैटेलाइजिज द हाइड्रोलिस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर हाइड्रोलिस यू कैन सी दिस दिस इज अस्टर ग्रुप दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड सो वैन इट कम्स इन प्रेजेंस ऑफ एच एंड इट अंडरगो हाइड्रोलिस एच एंड एच आस इज एच टू ओ तो इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपका आर जो ग्रुप है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द एच ग्रुप दिस आर ग्रुप इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द एच ग्रुप सो दिस इज़ हाइड्रोलिस हाइड्रोलिस में क्या होता है आपका जो ओ एच ग्रुप है वो अटैच हो जाता है योर ओ एच ग्रुप इज़ गेटिंग अटैच टू एच इट सो वहाँ पे ओ एच ग्रुप अटैच हो जाता है और एच ओ आर आपका साइड में हो जाता है सो हेयर दिस इज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस दिस ओ एच ग्रुप इज गेटिंग अटैच टू योर ईस्टर एसिड एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सम अदर कंपाउंड सो वॉट आर द डिफरेंट फैक्टर्स वीट शुड बी कंसिडर ड्यूरिंग वी स्टडी द हाइड्रोलिसिस फर्स्ट इज पी एच वी हैव टू सी द पी एच क्योंकि पी एच से आपका एसिड या एल्पली ग्रुप प्रोवाइड होता है एच एंड ओ एच आइंस एंड हमने अभी देखा एच और ओ एच आइन की प्रेजेंस में आपके ड्रग्स जो हैं हाइड्रोलिसिस एंटर को कर सकते हैं देन टाइप ऑफ सोलवेंट तो सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल हो गया ग्लिसरॉल हो गया मैनीटॉल हो गया जिसमें ओ OH एच होता है ओ OH एच आयन प्रेजेंट होता है तो आ, ऐसे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आपका ड्रग हाइड्रोलाइसिस अंडरगो कर सकता है नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सेशन कॉम्प्लेक्सेशन में स्टियोरिक और पोलर इफ़ेक्ट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कैफीन विथ बेंजोकेन तो इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अंडर गो नेक्स्ट इज सरफेक्टेंट सरफेक्टेंट में आपके डिफरेंट सरफेक्टेंट्स होते हैं वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एस एल एस तो जो सरफेक्टेंट uh, है इट कैन ऑल्सो कॉज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सम ड्रग्स नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड सॉल्ट एंड ईस्टर फॉर्मेशन सो दीज आर द डिफरेंट Factors which we need to consider during the hydrolysis of the drug which can undergo the hydrolysis different factors to be considered in hydrolysis so these are the different factors with the help of which you can uh, uh, improve the hydrolysis you can save your drug from hydrolysis so first is ph you can uh, change the ph of your uh, the uh, surrounding drug so so that it does not undergo the hydrolysis if uh, it is coming in contact with the water water is neutral in nature so aap एसिडिक या बेसिक पीएच कर सकते हो जिससे आपके ड्रग का हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट हो सकता है दिस इज चेंज इन पीएच नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉल्वेंट आप सॉल्वेंट चेंज कर सकते हो फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ इथेनॉल ग्लिसरॉल मैनीटॉल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्वेंट यू कैन प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सेशन आप अपने ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कैफीन एंड बेंज़ोकेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है विच प्रिवेंट्स द हाइड्रोलिस ऑफ बेंज़ोकेन ये बेंजोकेन का हाइड्रोलिस प्रिवेंट करता है तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हो जिससे आपका हाइड्रोलिस ओवरकम हो जाए नेक्स्ट इज सरफेक्टेंट आप डिफरेंट टाइप्स के सरफेक्टेंट यूज़ कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल एनाइनिक सरफेक्टेंट केटाइनिक सर्फेक्टेंट एंड आयोनिक सरफेक्टेंट सो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सरफेक्टेंट्स आ दें फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ एस एल एस तो जो सरफेक्टेंट होता है वो क्या करता है एक लेयर फॉर्म कर देता है आपके पार्टिकल्स के ऊपर सो दैट इट डज नॉट कम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द वॉटर सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर विच इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट इज़ मॉडिफ़िकेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर यू कैन मॉडिफाई केमिकल स्ट्रक्चर तो इस मॉडिफ़िकेशन से क्या होता है आपका जो बॉन्डिंग होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल वो प्रिवेंट हो जाती है एंड क्लीवेज नहीं होता है एंड वहाँ पर आपको हाइड्रोजन आके एड नहीं होता है तो इससे आपका हाइड्रोलिस प्रिवेंट हो जाता है सो मॉडिफ़िकेशन ऑफ कैमिकल स्ट्रक्चर नेक्स्ट इज़ सॉल्ट एंड ईस्टरफॉर्मेशन आप डिफरेंस सॉल्ट और ईस्टर फॉर्म कर सकते हो जिससे भी आपका हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट हो सकता है सो so, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करने में हेल्पफुल हैं नेक्स्ट इज अमाइड हाइड्रोलिसिस। एमाइड हाइड्रोलिसिस में अमाइड एसिड होता है अमाइड एसिड प्लस अमीन दिस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस तो जो ड्रग है क्लोरम फेनिकॉल तो क्लोरम फेनिकॉल यहाँ पर हाइड्रोलिस इस ग्रुप से अंडर गो करती है एंड इट शोज हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट नीनामाइट ये भी आपकी हाइड्रोलिस शो करती है आप पर रिंग ऑल्टरेशन भी होता है रिंग ऑल्ट्रेशन में भी आपका हाइड्रोलिसिस देखा गया है वो हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है सब फॉर एग्जाम्पल पिलोकार्पिन जो पिलोकार्पिन एक ऐसा ड्रग है जहाँ पे आपके रिंग में हाइड्रोलिस होता है तो ये ड्रग रिंग फॉर्मेशन में भी हाइड्रोलिसिस शो करता है नेक्स्ट कम्स ऑक्सीडेशन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका ड्रग ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये ड्रग को डिग्रेड करती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो ऑक्सीडेशन इज एन एनवायरमेंटल फिनोमिना एनवायरमेंटल फिनोमिना वाई बिकॉज आपका जो ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में प्रजेंट होता है या फिर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्टैक्ट में आती है देन ऑल्सो इट अंडर गोज ऑक्सीडेशन सो आपका ऑक्सीजन हो 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 गया oxidizing agent हो गया light हो गया trace metal हो गया ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जहां पे आपके ड्रग का हाइड्रोलिस हो सकता है इफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व रिएक्शन इज जनरली रैपिड एंड इट इज टर्मड एज ऑटो ऑक्सीडेशन ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है जब आपका मॉलिकुलर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में तो वो क्या करता है आपके रिएक्शन को रैपिड कर देता है फास्ट कर देता है इसको आप बोलते हो ऑटोऑक्सीडेशन सो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्योंकि अगर आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम क्या होता है आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है अगर इफ़ इट इज़ मैनुफैक्चर इन द ओपन स्पेस तो डायरेक्टली वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है और उस केस में उसका डिग्रेडेशन हो सकता है नेक्स्ट इज़ अगर हम उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं एंड इट इज़ ऑक्सीजन सेंसिटिव तो वी मेक टू वी नीड टू मेक श्योर कि आपका जो भी पैकेजिंग uh, है वो इनर्ट एनवायरनमेंट में हो और उसके अंदर पैक्ड मटेरियल भी इनर्टनेस शो करे तो इससे आप अपना ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हो तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में आप अपने ड्रग की आइडेंटिटी कर सकते हो कि आपका ड्रग अन, क्लास uh, आपका ड्रग ऑक्सीडेशन uh, शो कर रहा है या नहीं सो केमिकली ऑक्सीडेशन को आप कैसे क्लासीफाई करोगे तो ऑक्सीडेशन इज़ लास्ट एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता क्या है ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कोड बी फॉर एग्जाम्पल आयन अंडरगोइंग, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ई थ्री प्लस टू फेरिस एफ ई टू प्लस चेंज तो इसमें क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में डिग्रेडेशन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब जो डिग्रेडेशन होता है आपके ड्रग का तो डिग्रेडेशन कैसे होता है आपके ड्रग का ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सो ऑक्सीडेशन थ्रू द डायरेक्ट रिडक्शन टेक प्लेस बाय एटमॉस्फिर ऑक्सीजन जो आपकी एटमॉसफिर ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है आपकी किसी भी ड्रग्स के और वो आपके ड्रग को डिग्रेड करती है तो ऑक्सीडेशन बाई चेन रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ परॉक्सी फ्री रेडिकल जो भी आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं वो चेन रिएक्शन शो करते हैं एंड इट फॉर्म्स अ परोक्सी फ्री रेडिकल्स नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स होते हैं विच नीड्स टू बी फॉलोड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स आर इनिशिएशन स्टेप प्रपोगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप ये जो स्टेप्स हैं आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन तीन स्टेप्स में परफॉर्म होता है इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय हीट इट इज़ कैटेलाइज बाय लाइट इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय मेटल ऑफ फ्री रेडिकल ये आपके ऑक्सीडेशन uh, प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं मीन्स इन्हेंस्ड करते हैं अब ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये कैसे टेक प्लेस करती है फर्स्ट इज़ इनिशिएशन प्रोसेस इनिशिएशन प्रोसेस में जो आपका एक्स कंपाउंड होता है वो आर के साथ रिएक्ट करता है और ये आर इज़ <coughs> आपका आर सेपरेट हो जाता है एक्स एंड एच फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे इनिशिएट क्या हो रहा है एक्स

again it gets reacted with rh group and it results in the formation of rooh plus r so this is a propagation chain reaction it is a chain reaction you propagate hoti tak hum hamisko terminate karenge, it will be propagated in this manner again this will react with rh and again it will result into the product so this chain will be propagated that is why it is known as propagation reaction उसके बाद आता है आपका टर्मिनेशन रिएक्शन टर्मिनेशन रिएक्शन में आपको ये जो प्रोपोगेटेड स्टेप है उसको टर्मिनेट करना होता है तो कैसे आप टर्मिनेट करोगे आप उसका स्टेबल प्रोडक्ट बना के हाउ यू विल टर्मिनेट यू विल फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट तो ये स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनता है आप उसको दोबारा सेम ग्रुप से रिएक्ट करा दो सो इट विल गेट

दोज ड्रग्स गैट डिग्रेटेड इन द प्रजेंस ऑफ लाइट इट अंडर्स गो फोटो लाइसिस फोटोलाइसिस अंडर गो करती है सो इफ द कंपाउंड एब्जॉर्ब लाइट इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी लाइट में क्या प्रेजेंट होती है एनर्जी प्रेजेंट होती है तो ये जो एनर्जी है एनर्जी में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से चार्जेस मिलते हैं और चार्जेस से इलेक्ट्रॉन चार्जेस से आपकी जो ड्रग है वो फोटोलाइसिस अंडरगो करती है तो जब भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है इट हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रेक और रीअरेंज बॉन्ड ये एनर्जी जो भी मिली है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में तो ये क्या कर सकती है जो भी ब्रॉन् बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड को मेक या ब्रेक कर सकती है या फिर उसे रीअरेंज कर सकती है सो so, इसे होता क्या है दिस प्रोड्यूस द एमिशन सच इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस और फॉसफ्लोरेसन्स और इंक्रीज द टेम्परेचर सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस में जनरली क्या हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में ड्रग एक एनर्जी गेन कर रही है एनर्जी गेन करके ये सारे बॉन्ड्स को रीअरेंज करा रही है या ब्रेक कर रही है जिसके कारण इट इज़ रिजल्टिंग इन द फ्लोरोस एंड फॉस फ्लोरोस प्रोसेस और ये टेम्परेचर को भी इंक्रीज करा सकती है सो दिस इज नोन एज फोटो Lysis. हम इसको क्या बोलेंगे फोटोलाइसिस अब ये जो फोटोलाइसिस है इट कैन बी डन इन फॉलोइंग बेसिस फोटोकेमिकल फोटोसेंसिटाइजर यू वी वायलिट पोशन फोटोकेमिकल मीन्स ये फोटोलाइसिस के uh, साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी शो करती है तो डेट इज वाई इट इज नोन एज फोटो केमिकल प्रोसेस नेक्स्ट इज फोटो सेंसिटाइजर फोटो सेंसिटाइजर मीन्स इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द फोटोज दैट मीन्स लाइट दैट इज वाई अगर इस टाइप के ड्रग्स जब भी लाइट ही प्रेजेंस में जाते हैं तो ये फोटो लाइसिस शो करेंगे दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द लाइट नेक्स्ट इज़ यू वी वायलट पोशन कुछ ड्रग्स होते हैं जो यू वी लाइट के लिए मतलब सन लाइट जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो सन लाइट में वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिवनेस के कारण दे शो द डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग तो अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ड्रग की इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई विल टेल यू कुर्क्यूमैन आपने टर्मिनिक्स सुना होगा इसको हम टर्मिनिक बोलते हैं तो ये जो टर्मिनिक या फिर कर्क्यूमिन होता है ये फोटोलाइसिस शो करता है फोटोलाइसिस तो जब भी आपका करक्यूमिन सल्यूशन फॉर्म में होता है व्हेनेवर करक्यूमिन इज इन द सल्यूशन फॉर्म तो इट अंडरगोज फोटोलाइसिस ये क्या अंडर गो होता है फोटोलाइसिस अंडर गो होता है तो जब भी आप करक्यूमेन से रिलेटेड कोई भी फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हो तो उस केस में क्या होता है उस केस में आपको काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं सो डैट करक्यूमेन डज नॉट अंडरगो फोटोलाइसिस फ़ोटोलाइसिस के लिए हम डिफरेंट स्टडीज भी करते हैं इन कमिंग स्लाइड वी विल सी हाउ फोटोलाइसिस स्टडीज़ अंडर तो बेसिकली इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा ड्रग फोटोलाइसिस अंडरगो कर रहा है या नहीं कर रहा है और उसके लिए हम फोटोलाइसिस की स्टडी करते हैं सो so डैट जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी ड्रग की वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ ड्रग और वी आर डूइंग अ पैकेजिंग और वी आर डूइंग अ ट्रांसपोर्टेशन नोट ट्रांसपोर्टेशन बट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग के टाइम पे अगर हम किसी भी ड्रग को लाइट से प्रोटेक्ट करना है तो वी कैन टेक दैट प्रिकॉशनरी मेजर सो डैट हमारा ड्रग फोटोलाइसिस अंडर गो ना करें नेक्स्ट है लाइट एनर्जी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द वेबलैंथ देफो यू वी लाइट जिसका जो वेवलेंथ होता है 220 टू 370 नैनोमीटर विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी तो इसलिए जो भी ड्रग्स होते हैं और वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में आते हैं तो शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण इट अंडरगोज वेरी सेंसिटिवली फोटोलाइसिस फ़ोटो डिग्रेडेशन इज देयर फॉर डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो फोटोलाइसिस प्रोसेस है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ऑफ़ द लाइट एंड इट्स इंटेंसिटी किस इंटेंसिटी से आपकी लाइट आपके ड्रग पे फॉल हो रही है किस एंगल से हो रही है क्या उसका वेवलेंथ है सो ऑल दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटो डिग्रेडेशन प्रोसेस टू अंडरगो, तो इसका मेथड जिस मेथड से ये अंडरगो करती है डैट इज़ आप ड्रग को लोगे यू विल टेक द ड्रग एंड यू विल एक्सपोज योर ड्रग इन टू डिफरेंट कंडीशन तो डिफरेंट कंडीशन क्या है आप उसका टेम्परेचर 25 फाइव डिग्री सेल्शियस रखोगे यू विल कीप योर ड्रग एट 25 फाइव डिग्री सेल्शियस और इवन मोर एलिवेटेड और इवन मोर एलिवेटेड टेम्परेचर एंड यू विल डू द फ़ोटो स्टेबिलिटी स्टडी तो आप अपने ड्रग को एक एल्यूमिनीम फॉइल में रैप करोगे यू विल रैप इट यू विल रैप इट इन टू द एल्यूमिनीयम फॉइल तो एल्यूमिनियम फॉइल में आप इसको रैप करके एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस में फोटोलाइटिक चबर में प्लेस करोगे कहाँ प्लेस करोगे यू विल प्लेस इट इन द फोटो लाइटिक चैम्बर इस चैम्बर में रख के आप ह्यूमिडिटी भी सेट करोगे एंड यू विल सी कि वन वीक देन वन मंथ देन टू मंथ एंड थ्री मंथ इसके इतने टाइम इंटरवल के लिए आप अपने ड्रग को फोटोलाइटिक चैम्बर में प्लेस करके देखोगे कि आपका ड्रग डिग्रेड तो नहीं हो रहा है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स यू विल टेक आउट योर ड्रग यू विल एनालाइज इट यूजिंग एच और यू एंड यू विल सी कि आपका ड्रग डिग्रेड तो नहीं हो रहा है सो दिस इज़ अ मेथड हाउ द हाउ फोटोलाइसिस take place next is racemization process racemization is what it is the compound changes optical activity when the compound changes the optical activity the optical activity चेंज होती है आइदर इन द लीवो फॉर्म और इन द फॉर्म तो लीवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म में अगर आपका ड्रग चेंज होता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है तो so, आपको प्री फॉर्मूलेशन स्टडीज़ में देखना होता है कि आपके ड्रग के कितने रेसमिक फॉर्म हैं आइदर इट इज़ लीवो रोटेटरी और डेक्स्ो रोटेटरी एंड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है तो उसके बेसिस में आप डिफरेंट प्रोफाइल्स निकालते हो जो सॉलिबिलिटी का डेटा होता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट का डेटा होता है आप डिफरेंट टेक आउट करते हो और आप रेसमाई रेसमिक मिक्सचर डिटमाइन करते हो सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ सो नाउ लेट इज़ क्विकली रिवाइज वॉट वी हैव स्टडी इन दिस लेक्चर हमने सबसे पहले हाइड्रोलिसिस स्टडी किया हाइड्रोलिस इज चेंज और डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फिर हमने ईस्टर हाइड्रोल एंड अमाइन हाइड्रोलिस की स्टडी की थी आफ्टर डेट हमने ऑक्सीडेशन स्टडी किया एंड वी हैव सीन हाउ डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीडेशन हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स भी स्टडी किए थे दैन दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स आफ्टर डैट वी हैव सीन द फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस क्या होता है कैसे हम फोटोलाइसिस की स्टडी करते हैं दैन वी हैव सीन द मैथडलो At last, we have studied the racemization. So, hope you understood uh, a lot from this slide. Thank you, students.